Subscribe to our channel and press the bell icon for more updates. एक महात्मा फेरी पर जा रहे थे। एक नवेली बहू ने ना तो उन्हें दक्षिणा में आटा डाला और ना उन्हें रोटियां ही दी। महात्मा को काफी गुस्सा आया। उनकी ऐसी शान तो पहली बार ही बिगड़ी। रास्ते भर उसे कोसते हुए, बुरा भला कहते हुए बड़बड़ाते जा रहे थे कि सर पर लकड़ियों की भारी उठाए बहू की सास मिल गई। उसे रोक कर कहने लगे, कैसी कुलक्षणी बहू लाई हो जो हाथ की बजाय मुंह से उत्तर दे। क्या एक अंजलि भर आटे व एक रोटी से भी सस्ता हो गया साधु, जो कुत्ते जितनी भी इज्जत नहीं रखी। मुंह के सामने ही साफ मना कर दिया कि मुफ्त को साधुओं को देने के लिए आटा नहीं पिसा। अब तो घर घर बहुओं का राज होने लगा। थोड़े दिन बाद तो खुद भगवान भी भूखे मरने लगेंगे। महात्मा की बात सुनकर सास आग बबूला हो गई। अविश्वास के भाव से पूछा, सच कह रहे हैं? नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूं। लगता है अब इन बहुओं के कारण हमें भी झूठ बोलना सीखना पड़ेगा। फिर तो ये दुनिया जीने के काबिल ही नहीं रहेगी। नहीं महाराज, आप अपने मुंह से ऐसी बात ना करें, सुनने से ही पाप लगता है। चलिए मेरे साथ। बड़ी आई नवाबजादी, जीभ ना खींच लूं तो मेरे नाम पर झुकती। खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, चलिए ना मेरे साथ। महात्मा ने सास का ये रंगढंग देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। बार बार मना करने पर उसके सर की भारी अपने कंधे पर धरने के बाद ही उसके पीछे पीछे चले। सास गुस्से में तेज चलती हुई बहू को दनादन गालियां निकाल रही थी। सुनकर महात्मा को भी बड़ा अचरज हुआ कि इतनी गालियां तो वे भी नहीं जानते। पर मन ही मन बड़े खुश थे। लकड़ी का भारी बोझ उन्हें फूलों की डलियां जैसा हल्का लगा और उधर भार उतरने से सास का मुंह और ज्यादा खुल गया था। घर पहुंचते ही महात्मा जी से भारी लेकर वो दनदनाती अंदर पहुंची। गले की पूरी ताकत से बहू को झिझकते हुए उसने अंत में पूछा, तूने सचमुच महात्मा जी को मना किया? बहू ने धीमे से अपराधी की तरह हामी भरी। सास की आंच और तेज हो गई। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे रहते तू मना करे? महात्मा मन ही मन सोचने लगे कि आज तो ये झोली छोटी पड़ जाएगी, बड़ी लाते तो अच्छा रहता। उन्हें क्या पता था सास इतनी भली है। उबलती हांडी के ढक्कन की तरह फुदफुदाते सास बाहर आई। भला आप ही बताइए, मेरे रहते वह मना करने वाली होती कौन है? मरने के बाद भी उसकी ऐसी हिम्मत क्या हो जाए? मना करूंगी तो मैं करूंगी। ये मुंह बाए क्यों खड़े हैं? हाथ पांव हिलाते मौत आती है। खबरदार कभी इधर मुंह किया तो। इस घर की मालकिन हूं तो मैं हूं। एक बार नहीं 100 बार मना करूंगी। फौरन अपना काला मुंह करिए यहां से। बेकार झिकझिक करने की मुझे फुर्सत नहीं है। बेचारे महात्मा ने डरते सहमते अपने सर पर हाथ फेरा। सचमुच लकड़ियों का गट्ठर तो सास उतार ले गई थी, फिर ये असहाय बोझ काहे का है? उनके पांव मानो धरती से चिपक गए हों।